अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 03024489001। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको फाइल से क्लोजिंग रेट्स बताता हूँ। आज हम लोग कुछ कंपैरिजन करते हैं DHA गुजरांवाला और DHA मुल्तान का, फाइल्स की एनालिसिस करते हैं और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा मैं कि गुजरांवाला लॉन्चिंग कब हुई और इस वक्त क्या माशाल्लाह उसका रिटर्न है। इस तरह मुल्तान के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं DHA मुल्तान की। DHA मुल्तान की एक किनाल की जो फाइल है आज 45,85,000 रुपये में इस वक्त ट्रेड हो रही है एफिडेविट की एक किनाल, जबकि एलोकेशन फाइल जो है वो 45,35,000 रुपये में इस वक्त अवेलेबल है। अगर मैं 10 मल्ला फाइल की बात करूँ तो 37,25,000 रुपये में एलोकेशन अवेलेबल है और 5 मल्ला जो आर्मी अलॉटमेंट की फाइल है वो इस वक्त 19,80,000 से 19,90,000 रुपये के दरमियान इस वक्त ट्रेड हो रही है कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट फाइल्स की। 5 मल्ला की फाइल जो है इंस्टॉलमेंट की वो इस वक्त मिल रही है हमें 2,60,000 रुपये ऑन पे, जबकि 8 मल्ला 1,00,000 रुपये ऑन पे, 10 मल्ला 2,90,000 रुपये ऑन पे, 2 किनाल 5,25,000 रुपये ऑन पे, इसी तरह कमर्शियल 9,00,000 रुपये ऑन पे और 8 मल्ला कमर्शियल जो है वो हमें लेवल पे भी अवेलेबल हो रहा है। इस वक्त गुजरांवाले की रेट्स की बात करते हैं तो एक किनाल की फाइल इस वक्त 44,75,000 में इस वक्त मिल रही है एलोकेशन की, जबकि 10 मल्ला की एलोकेशन फाइल 31,70,000 रुपये में इस वक्त अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं 5 मल्ला फाइल की इंस्टॉलमेंट्स की। तो 5 मल्ला की इंस्टॉलमेंट की जो फाइल है वो सर 3,15,000 रुपये ऑन पे इस वक्त अवेलेबल है 3 इंस्टॉलमेंट्स पेड के साथ, 20,00,000 रुपये इसकी टोटल बुकिंग प्राइस थी। जबकि 10 मल्ला फाइल की अगर मैं बात करूँ तो 1,80,000 से 1,85,000 रुपये ऑन पे इस वक्त 10 मल्ला फाइल अवेलेबल है, रेडी टू ट्रांसफ़र है, लाहौर ट्रांसफ़र भी और इसी तरह गुजरांवाला ट्रांसफ़र भी अवेलेबल है। अगर मैं 1 किनाल फाइल की बात करूँ तो वो आपको 50,000 ऑन पे मिल जाएगी। 2 किनाल की फाइल इस वक्त 90,000 ऑन पे अवेलेबल है। कमर्शियल की बात करें तो 4 मल्ला कमर्शियल 2,50,000 रुपये ऑन पे है, जबकि 8 मल्ला कमर्शियल 1,00,000 रुपये ऑन पे इस वक्त डिमांड किया जा रहा है। अब हम कंपैरिजन की कुछ बात करते हैं। पहले मैं दोस्तों ये बताता चलूँ कि कंपैरिजन का जो पर्पज़ है हमारा वो जस्ट अवेयरनेस होती है, ना कि किसी प्रोजेक्ट को हम लोग कह लें कि उसके अगेंस्ट अपनी राय दे रहे होते हैं। हमारा पर्पज़ कतन ये नहीं होता कि हम किसी स्पेशली DHA के किसी प्रोजेक्ट को प्रेफरेंस कर रहे हैं या दूसरे को हम लोग प्रेफरेंस नहीं दे रहे, ऐसा कतन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग DHA लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला और बावलपुर के ऑथराइज्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, तो हम इन प्रोजेक्ट्स को लेके आपस में जो कंपैरिजन करते हैं उसका पर्पज़ जस्ट ये होता है ताकि पब्लिक को अवेयरनेस दी जा सके इन प्रोजेक्ट्स के मुतल। सबसे पहले बात करते हैं DHA मुल्तान की। DHA मुल्तान की जो फाइल्स हैं वो 2013 में लॉन्च हुई थी, 2014 में इसकी सेल परचेज स्टार्ट हुई थी फाइल्स के एफिडेविट की। 2014 में फाइल की जो प्राइस थी वो इस वक्त थी उस वक्त कोई 26,50 से 28,00,000 के दरमियान, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि फर्स्ट फाइल जो मैंने 10 दिसंबर 2014 में खरीदी थी उस वक्त वहाँ पे रेट चल रहा था उस वक्त 27,500 से 28,00,000 रुपये का। हम कंसीडर करते हैं राउंड फिगर 28,00,000 की किनाल की फाइल थी, उस वक्त 10 मल्ला अवेलेबल नहीं थी। सिमिलर टाइम के ऊपर गुजरांवाला की अगर हम लोग बात करें तो गुजरांवाला की फाइल उस टाइम पीरियड के अंदर आपको मिल रही थी 2650 के ऊपर। आज अगर हम करंट पोजीशन पे किनाल की फाइल को कंपैरिजन करते हैं तो गुजरांवाले की फाइल इस वक्त 45,00,000 रुपये के अराउंड है, 44,75,000 रुपये की एलोकेशन, जबकि मुल्तान की फाइल के अंदर वेरिएशन आई, प्राइसेस 52-54 तक भी गई 2017 में, दोबारा प्राइसेस जो है वो एडजस्ट हुई। अभी जो इसकी करंट प्राइस चल रही है एलोकेशन की वो 45,35,000 रुपये है मुल्तान की हम बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो DHA मुल्तान जो है उसकी लोकेशन मेन बोसन रोड के ऊपर और दूसरी साइड पे मिथीतल गेट रोड के ऊपर इसकी एंट्रेंस है, दो एंट्रेंसेज हैं इसकी। 9,000 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, अराउंड 6,000 एकड़ के करीब इसका फेज़ वन होगा। डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी वहाँ पे जारी है, विलास की कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है और एक्सपेक्टेड है कि एंड ऑफ दिस ईयर या मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर जो है वो कुछ विलास को पोजेशन दे दिया जाएगा। सलामत स्कूल उसकी चेन जो है वहाँ पे किड्स कैंपस जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इस साल जो है वो इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। इवेंट कॉम्प्लेक्स जो है वो DHA का दी अरीना के नाम से वो इस वक्त फंक्शनल है, वहाँ पे नर्सरी वगैरह फंक्शनल है, मेन बुलेवार्ड्स के ऊपर काम हो रहा है, आपने देखा होगा हमारी वीडियोज़ के ऊपर। गुजरांवाला की बात करते हैं, गुजरांवाला की अभी डेवलपमेंट का काम फुल फ्लैश स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ मेन गेट के ऊपर काम हो रहा है जो कि मेन GT रोड के ऊपर है। जैसे ही आप DHA गुजरांवाला का ऑफिस क्रॉस करते हैं तो लोकेशन की बात करें तो मेन GT रोड के ऊपर है, DHA का वाहद प्रोजेक्ट है जो मेन GT रोड के ऊपर है, तीन एंट्रेंसेज इसको लगती हैं। चनाब गेट अगर अरावली गेट क्रॉस करें, चनाब गेट आता है सेकंड गेट, उसको क्रॉस करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे पहले DHA का ऑफिस आएगा और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो साथ ही आपको DHA की मेन एंट्रेंस गेट जो है वो आपको नजर आएगा, जिस पे ऑलरेडी काम जारी है और गेट के ऊपर काम हो रहा है।
एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 3 to 6 months के अंदर वहाँ पर डेवलपमेंट का बहुत अच्छा काम स्टार्ट हो जाएगा गुजरांवाला के अंदर। प्राइस को अगर हम देखें, मुल्तान हमारी साउथ पंजाब के एरिया है, जबकि गुजरांवाला जो है वो हमारा मेन जी टी रोड पे नियरेस्ट टू लाहौर के एरिया है। गुजरांवाला में अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई, और मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ फाइल्स, मुल्तान की नंबर ऑफ़ फाइल्स नो डाउट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, और गुजरांवाले के नंबर ऑफ़ फाइल्स एज़ कम्पेयर टू मुल्तान कम है पब्लिक के पास। लेकिन मुल्तान के अंदर जो है वो माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी रेट्स के ऊपर बाइंग हो रही है इस वक्त, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है, बाइंग बनती है, लैंड एक्विजिशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है उसकी, और आगे इंशाल्लाह जो है वो बैलेटिंग की तरफ जा रहे हैं मुल्तान। गुजरांवाला की अभी बैलेटिंग की कन्फर्मेशन नहीं है, एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर इसका एक्सपेक्टेड है कि इसका नेक्स्ट ईयर बैलेट हो सकता है। प्राइस वाइज अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जितना गेन आपको मुल्तान में मिला उसी से मिलता जुलता गेन आपको 19-20 का फ़र्क है वो गुजरांवाला में भी मिल रहा है। ये इसकी क्या रीज़न है जबकि डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई? बिकॉज उसकी जो लोकेशन है मेन जीटी रोड के ऊपर आती है, एंट्रेस उसकी 3 एंट्रेसेस हैं मेन जीटी रोड के ऊपर, ये इसकी रीज़न है। और दूसरा, गुजरांवाला जो शहर है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश लोग रहते हैं वहाँ पे, बाइंग पावर बहुत अच्छी है, रियल इस्टेट की गिनी चुनी 4-5 सोसाइटीज़ हैं। तो जो दोस्त गुजरांवाला में ही अच्छा घर का ख्वाब देखते हैं उनके लिए DHA बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गुजरांवाला की जो है। और डेफिनेटली जितनी भी गुजरांवाले की फाइल्स हैं उसमें मोस्टली फाइल्स जो है वो एंड यूज़र के पास हैं, रीसेल में बहुत कम फाइल आपको गुजरांवाला की मिलती है। उसकी सेकंड रीज़न ये भी है कि क्वांटिटी बहुत कम सेल हुई हुई है, तो डेफिनेटली उसकी फिर आपको रीसेल में चीज़ आती भी नहीं है, और जिन लोगों ने ली है वो होल्डिंग पे है इस वक्त। मुल्तान की अगर आप बात करें तो साउथ पंजाब का सबसे बड़ा सिटी है ये, और वहाँ पे अगर हम रियल स्टेट की बात करें तो वहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। नियरेस्ट जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे 8 लाख से 10 लाख रुपए मरला चल रहा है, जहाँ पे पोजेशन है और एरिया डेवलप है, पॉपुलेट है वो एरिया। तो हम होपफुली उम्मीद करते हैं कि 5 से 7 साल बाद DHA मुल्तान भी इंशाल्लाह उस कंडीशन पे होगा जिस कंडीशन में नियरेस्ट अदर सोसाइटीज़ हैं। मैं स्पेशली नाम नहीं लेता, और क्योंकि हम लोग DHA और गुजरांवाला को देख रहे हैं, मुल्तान गुजरांवाला, इसलिए हम लोग उसी सर्कल में रह के बात करते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह 5 to 7 years के बाद आप मुल्तान को भी 1.5 से 2 crore रुपए के इन बिटवीन देखेंगे। इसी तरह जो गुजरांवाला है, गुजरांवाला की डेवलपमेंट और जो गुजरांवाला का मैप इन्होंने शो ऑफ किया था लास्ट एक इवेंट के अंदर, तो जो DHA गुजरांवाला का मैप है बहुत आउटस्टैंडिंग मैप है। लोकेशन देखी जाए, अगर प्लानिंग देखी जाए, बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है, और हत्तमकान कोशिश की गई है कि कोई भी जो प्लॉट है वह नॉन स्टैंडर्ड ना हो, तमाम प्लॉट स्टैंडर्ड लोकेशन के हों। इन्वेस्टमेंट की अब बात कर लेते हैं, मुल्तान और गुजरांवाला में से बेहतर ऑप्शन कौन सी है? दोनों बेहतर ऑप्शंस हैं। मुल्तान फर्स्ट प्रायोरिटी पे है क्योंकि उसका बैलेट इंशाल्लाह करंट ईयर है और एक्सपेक्टेड है, और जो गुजरांवाला है उसका बैलेट नेक्स्ट ईयर है। और ग्रोथ रेट अगर आप देखते हैं तो मुल्तान की माशाल्लाह वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, और प्राइसिस के अंदर वेरिएशन है, और नंबर ऑफ प्लॉट्स की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद वो मार्केट को स्टेबल रखी हुई है, उसकी मार्केट स्टेबल है, मार्केट उसकी नीचे नहीं आ रही, हालांकि उसकी सप्लाई है, उसमें नंबर ऑफ प्लॉट्स एज़ कम्पेयर टू गुजरांवाला ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट कह लूँ अगर मैं तो गुजरांवाला से डबल या इससे ज़्यादा जो है वो मुल्तान के प्लॉट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जो लोकल सराउंडिंग के एरियाज़ हैं वो अप्रोच करते हैं मुल्तान को, तो वहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग सेलिंग चल रही है। बैलेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छा गेन मिल सकता है। आफ्टर बैलेटिंग जो है वो 55 से 75 लाख रुपये का रेट एक्सपेक्टेड है एक नाल के प्लॉट का। जबकि गुजरांवाला की बात करें तो गुजरांवाला के अभी रिसेंटली आप इंस्टॉलमेंट फाइल्स लॉन्च हुई हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसकी जैसी इंस्टॉलमेंट्स पे होंगी एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर इसका बैलेट हो जाएगा। तो बैलेटिंग के बाद भी प्लॉट की लोकेशन पे डिपेंडेंट है, और जो गुजरांवाला है उसको भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी प्राइस आफ्टर बैलेटिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 65 से 75 or 80 के इन बिटवीन होगी, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, एंट्रेंस बहुत अच्छी है। अब हम बात करते हैं क्लोजिंग रेट्स के ऊपर। DHA जो बावलपुर है उसकी इस वक्त एक नाल की फाइल 27.5 लाख में है, जबकि उसके जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं बी उस ए और बी के अंदर उसमें 33 लाख से 42 लाख का रेट है नॉर्मल प्लॉट का, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्लॉट है उसकी डिफरेंट प्राइसेस हैं डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। जी एच और जे के अंदर आपको 28 में मिल जाएगा, और एन ब्लॉक के अंदर आपको 29.5 लाख रुपये में एक नाल की ऑप्शन मिल जाएगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब हम बात करते हैं लाहौर की, तो लाहौर फेज़ 10 की एक नाल की फाइल 48 लाख रुपए में है। हलोकी की फेज़ 11 की 5 मल्ला जो फाइल है वो इस वक्त मिल रही है 27.5 में, सादो की 28.5 लाख रुपए में, जस्ट मोजे का डिफरेंस है। आफ्टर बैलेटिंग जो है वो होपफुली दोनों एक ही लोकेशन पे होंगे। अब हम बात करते हैं LD City की,
LDCT की 5 मल्ला की फाइल 15,75,000 रुपये में स्टैंड हुई की हुई है, जबकि 10 मल्ला की फाइल 23,50,000 में और कनाल 37,50,000 रुपये में। इन प्राइसेस के ऊपर सेलर इजीली अवेलेबल है। अब हम क्लोजिंग रेट्स लेते हैं नेवल एंड ग्वादर के और ग्रीन पाम के। नेवल के 5 मल्ला की जो फाइल है इस वक्त 8.5 लाख रुपये में है, 10 मल्ला 12.5 में है, कनाल की फाइल 23 लाख रुपये में ट्रेड हो रही है, जबकि ग्रीन पाम की जो 5 मल्ला की फाइल है वो 4 लाख रुपये में है और 10 मल्ला की फाइल जो है वो 6.5 लाख रुपये में है, कनाल की फाइल 11.5 लाख रुपये में है। इसके अलावा 2 कनाल की फाइल 23 लाख में है, जबकि 4 मल्ला कमर्शियल जो है उसका वो 14.5 लाख रुपये में ट्रेड हो रहा है और 8 मल्ला कमर्शियल जो है वो 33.5 लाख रुपये में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। ये मैंने आपको ओवरऑल बताया, कंपैरिजन भी किया और आज के क्लोजिंग रेट्स भी बताया। 27 मार्च 2019 है। इंशाल्लाह हम आपको मजीद डिटेल जो है वो अपडेट्स देते रहेंगे। फॉर मोर डिटेल इन्फो के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 03024489001। इसके अलावा आप मुझे फिजिकली विजिट कर सकते हैं, माई ऑफिस एड्रेस 46 MB कमर्शियल फेज 6 DHA लाहौर। इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें और डेली बेसिस पे अपडेट रहना चाहें रेट से मुतलिक या कोई प्रॉपर्टी की न्यूज़ हो, तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज कीजिए +92 322 492 3992। थैंक यू।